गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है नई वीडियो में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर और आलू की बहुत ही लाजवाब सब्जी। दोस्तों, गाजर और आलू की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और ख़ास कर ये जो है सर्दियों में पाई जाती है गाजर। तो ये हमने, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने 500 ग्राम गाजर ली है, बिल्कुल ताज़ी गाजर ली हैं, और इन्हें मीडियम साइज़ में जो है, ये देखिए बड़े बड़े पीसेज में, लंबे लंबे पीसेज में हमने इसे काट लिया है और साफ़ कर लिया है बिल्कुल अच्छे से पानी से। दो तीन बार साफ़ करना है, काटने से पहले भी साफ़ करना है और काटने के बाद भी साफ़ करना है, क्योंकि इसके अंदर धूल मिट्टी होती है, वो अच्छी तरह से निकालनी है हमें, नहीं तो सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो ख़राब हो सकता है। और ये आलू लिए हैं, इनको भी हमने दो बार धोया है, काटने से पहले और काटने के बाद। तो आधा आधा किलो ये आलू भी लिए हैं। तो और उसके बाद हमने ये देखिए, ये थोड़े से हरे प्याज लिए हैं, हमने 100 ग्राम हरे प्याज लिए हैं और ये 100 ग्राम हरी मेथी लिए, ठीक है। और उसके बाद हमने ये देखिए, एक कटोरी के अंदर हरा धनिया लिया है, बिल्कुल ताज़ा हरा धनिया लिया है। सभी चीज़ें हमने अभी अभी जो है बिल्कुल ताज़ी ली हैं। और एक बड़ी चम्मच सरसों का तेल लिया है, आप रिफाइंड तेल भी यूज़ में ले सकते हैं। 10 से 12 कलियाँ लहसुन के लिए हैं, जिन्हें हमने बारीक पीस लिया है। एक छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, ये नमक लिया है, स्वाद अनुसार डालेंगे। तो चलिए गैस को स्टार्ट करते हैं। ये हमने गैस को स्टार्ट कर लिया है और कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो चुकी है गैस के ऊपर। अब हम इसके अंदर तेल डालने वाले हैं। ये देखिए, तेल हमने डाल दिया है, एक बड़ी चम्मच सरसों का तेल, क्योंकि सरसों का तेल ही जो है अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए, इसलिए हम सरसों का तेल यूज़ में ले रहे हैं। आप रिफाइंड तेल या कुकिंग ऑयल जो भी आप डालते हैं, घी में भी आप बना सकते हैं सब्जी को, तो अपने हिसाब से जो है आप डाल लें। तो ये जो तेल है, इसको बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है हमें। मैन इसके अंदर, सब्जी के अंदर मैन तेल ही होता है, क्योंकि तेल अगर कच्चा रह गया तो सब्जी जो है वो अच्छी नहीं बन पाएगी, इसलिए तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म करें 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब हम तेल के अंदर जीरा डालकर चेक करेंगे। तो देखिए, जीरा डाल दिया है और जो तेल है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जीरे को ब्राउन, बिल्कुल ब्राउन होने देना है, पकने देना है, और जीरा धीरे धीरे ब्राउन हो रहा है। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके अंदर जो है आलू और गाजर है, वो दोनों ही एक साथ डाल देंगे। ये देखिए, गाजर और आलू हमने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और इनको जो है बिल्कुल अच्छे से हमें फ्राई करना है तेल के अंदर। 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से गाजर और आलू को फ्राई कर लेंगे और आगे का प्रोसेस बाद में करेंगे। तो वीडियो में लगातार बने रहें, और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें मेरी वीडियो को। आपसे, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो मेरा क्या है कि मोटिवेशन बना रहता है और मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, 3 से 4 मिनट तक जो है हमने इन्हें फ्राई कर लिया है और ये थोड़े ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे। ये हल्दी डाल दी है और हल्दी को जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और जो लहसुन का पेस्ट है वो भी डाल देंगे। ये देखिए, लहसुन का पेस्ट भी हमने डाल दिया है और उनको जो है बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे गाजर और आलू के अंदर। और अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके अंदर, ताकि जो मसाला है वो जले नहीं तेल के अंदर। ये थोड़ा सा पानी डाला हमने ताकि मसाला जो है वो अच्छे से पक जाए और जले नहीं, और सब्जी वो नीचे कढ़ाई के ना चिपके, इसलिए। ये देखिए, मसाला धीरे धीरे पक रहा है। अब हम जो मसाला है वो बिल्कुल पक चुका है, अब हम इसके अंदर मेथी डालेंगे, हरी मेथी, क्योंकि हरी मेथी से जो है स्वाद बहुत ही लाजवाब बन जाता है इसका, इसलिए हमने हरी मेथी डाली है। और साथ में ही हरे प्याज भी डाल देते हैं। ये देखिए, हरे प्याज भी हमने साथ में ही डाल दिए हैं और इनको जो है बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, आलू और गाजर के अंदर जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे इन्हें। दोस्तों, कढ़ाई साइड से थोड़ी ब्लैक हो चुकी है, क्योंकि चूल्हे पर भी मैं यही कढ़ाई यूज में लेता हूँ, इसलिए चूल्हे के ऊपर कढ़ाई थोड़ी ब्लैक हो गई है साइड से। अब हम इसके अंदर जो है एक कटोरी, लगभग छोटी एक कटोरी पानी डाल देंगे।
ये देखिए पानी डाल दिया है और अब इस सब्जी को हम 4 से 5 मिनट तक जो है ऊपर से ढक्कन लगाकर पकाएंगे, तो वीडियो में लगातार बने रहें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो आलू और गाजर की सब्जी है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। हमने इसे 4-5 मिनट तक ऊपर से ढक्कन लगाकर पकाया था। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से जो है तैयार है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, मतलब जो लिया था उसे आधा हरा धनिया डाल देंगे इसके अंदर और आधा बाद में डाल देंगे। ये देखिए आधा हरा धनिया हमने डाल दिया है और इसको जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके अंदर सब्जी में, ताकि इसमें जो खुशबू है वो आने लगे। ये देखिए हमने मिक्स कर दिया है और अब हम इस सब्जी को अलग बर्तन में निकालते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने सब्जी को अलग बर्तन में निकाल लिया है। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है, बहुत ही अच्छी जो है खुशबू आ रही है इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।